प्रिजर्वेशन काफी जरूरी होता है हर एक सीजन में जिस चीज का आप लाभ ले सकते हैं, ऐसी सब्जी के लिए हम आपको विधि बताने वाले हैं और ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। जी हाँ, गोभी को आप हर सीजन में यूज कर सकते हैं। आज उसको किस तरह से आप घर पे प्रिजर्व कर सकते हैं और लंबे समय तक उसका यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो काफी खास होने वाली है और आप देख सकते हैं कई प्रकार की गोभियां यहां पर हमारे पास पड़ी हुई हैं। इन सभी को हम बताएंगे कि आप लंबे समय तक यानी बरसात में भी आप इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बरसात में भी आप इसको कैसे यूज में ला सकते हैं, ठंडी में कैसे यूज कर सकते हैं, गर्मी में कैसे यूज कर सकते हैं, वो बताने वाला है इस वीडियो में। सो ये ट्रिक देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, सपोज कीजिए हमारे पास ये गोभी है। अब इसे हमें क्या करना है, बेसिकली इस तरह से तोड़ लेना है सब कुछ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आपने देखा यहाँ पर हमने इसको तोड़ लिया है सब कुछ। अब इसको इस तरह से काट लेंगे, इसे पौसुल कहा जाता है। पौसुल के माध्यम से जैसे आपके यहाँ चाकूआ यूज की जाती हैं आजकल घरों में, अब पहले के समय में इस तरह से पौसुल यूज किया जाता था। अब हम क्या करेंगे कि गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो। ये देखिए, ये तोड़ के हमने यहाँ पर कलेक्ट कर रखा है इसको, और ये बेसिकली आप घर पे इसको प्रिजर्व कर सकते हो। इस तरह से आप अपने घर पे भी इस तरह से इसको बना के अपने अपने यूज में ला सकते हैं। हर मौसम में चाहे तो आप गोभी का स्वाद ले सकते हैं, हर मौसम में इसका यूज कर सकते हैं आप। और ये बहुत ही स्पेशल तरीका मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम लोग इस तरह से, आपने देख पा रहे हो जिस तरह से हमने तोड़ लिया है थोड़े छोटे टुकड़ों में। अब इसको क्या करना है, बेसिकली आपको इसको धूप में सुखाना है, तीन से चार धूप दिखाना है इसको। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो आपको इसको किसी पैक बर्तन, जैसे शीशे का कराबा होता है, शीशे का कोई चीज़ होता है, या फिर जहाँ पर हवा ना जाए उस जगहों पर इसको स्टोर कर लेना है। उसके बाद आप इसको हर सीजन में यूज़ कर सकते हैं, हर सीजन में सब्जी बना सकते हैं और हर सीजन में गोभी का लुत्फ ले सकते हैं। तो ये खास वीडियो थी, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।